नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी से क्यों शनि को भय लगता है। इसी कारण जो भी हनुमान जी के परम भक्त होते हैं, शनिदेव उन्हें कोई भी पीड़ा कभी नहीं पहुंचाते। हम आपको बताएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, यह तो हम सभी जानते हैं कि शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनि को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव की कुदृष्टि पड़ते ही इंसान पर विपत्तियों के पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। दर्शकों, शनि देव हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी अपनी खराब दृष्टि को नहीं डालते। आज हम इसी रहस्य के विषय में आपको बताएंगे। दर्शकों, जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ, उस समय शनि देव का बोलबाला था। शनि देव के इसी प्रभाव के कारण मेघनाथ का चिरंजीवी होने का योग खत्म हो गया था। यह देखकर रावण को शनि देव पर अपार क्रोध आ गया और अपनी योग विद्या से शनि देव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उस समय वन में रावण साधु का भेष धारण कर सीता का अपहरण करके ले गया। तब राम भक्त हनुमान को सीता माता का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान सात समुद्र पार लंका पहुंचे और उन्होंने लंका में प्रवेश करते समय अपना रूप मच्छर के समान कर लिया था। वे लंका में घुसकर सीता माता की तलाश कर रहे थे, तभी राम भक्त हनुमान ने लंकापति की कैद में रावण को देखा। हनुमान जी ने शनि देव की ऐसी दशा देखकर हैरान हो गए और शनि देव से रावण के यहाँ बंदी होने का कारण पूछा। तो शनि देव ने बताया कि रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। हे बजरंगबली, आप मुझे यहाँ से मुक्त करने का प्रयास करें। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए रावण के सुरक्षा घेरे से शनि देव को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। तब शनि देव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी शनि देव से बोले, कलयुग में जो भी मेरा भक्त हो और जो भी मेरा स्मरण करे, उसे तुम कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। तभी से शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाने लगी। इसलिए सभी हनुमान भक्तों पर शनि देव की हमेशा कृपा रहती है। ऐसा सुना जाता है कि लंका से प्रस्थान करते समय शनि देव ने लंका पर अपनी वक्र दृष्टि डाली थी, इसलिए रावण के कुल सहित लंका का नाश हो गया। इसके संबंध में एक और कथा है। एक दिन हनुमान जी अपने आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर रहे थे। उसी समय वहां शनि देव पहुंचे और हनुमान जी से बोले, आने वाले कलयुग में आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा और कलयुग में मैं सबसे बलवान हो जाऊंगा, इसलिए मैं 7.5 बनकर आपके शरीर में प्रवेश करूंगा। शनि देव को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, इसलिए अभिमान के कारण उन्हें इस बात का बोध नहीं था कि हनुमान भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हनुमान जी शनि देव से बोले, आप मुझे अपने प्रभु राम का स्मरण करने दो। मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर मेरे प्रभु श्री राम के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे अंदर तो सदा से ही सीता राम निवास करते हैं। लेकिन शनि देव नहीं माने और हनुमान जी से बोले, पूरी सृष्टि में मेरी दृष्टि से सभी प्रभावित हैं, फिर भी तुम इससे अछूते कैसे रह सकते हो। शनि देव न माने तो हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहते हो। शनि देव बड़े ही घमंड के साथ बोले, मैं 2.5 वर्ष तुम्हारे मस्तिष्क पर बैठूंगा और तुम्हारी बुद्धि को विचलित करूंगा। इसके बाद 2.5 वर्ष तुम्हारे हृदय में बैठकर रोगी बना दूंगा
और 2.5 वर्ष पैरों में बैठकर भटकाता रहूंगा। हनुमान जी मंद मंद मुस्करा रहे थे। शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बड़े अभिमान के साथ बैठ गए। यह देखकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने सिर पर धारण कर लिया। यह देखकर शनिदेव घबरा गए और हनुमान जी से बोले, यह आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं अपने सिर की खुजली दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। तब घबरा कर शनिदेव बोले, आप इस पर्वत को उतारिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हनुमान जी ने शनिदेव की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। अब तो शनिदेव याचना करने लगे, मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने एक और पत्थर अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पुनः हनुमान जी से बोले, मैं न आपको न आपके किसी भी भक्त को कभी कोई पीड़ा पहुंचाऊंगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया। यही वजह है कि शनिदेव हनुमान जी के किसी भी भक्त को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते। दर्शकों, यदि आपको हमारी यह हनुमान जी की कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।